नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम करते हैं पेपर कोड 1605। ये प्रेजेंटेशन सेम वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी है। दोस्तों हु वांट वॉच इंग्लिश मीडियम प्रेजेंटेशन दे कैन वॉच अनदर वीडियो विच इज द सेम वीडियो ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, बट दोज हु वांट वॉच इन हिंदी मीडियम ये वीडियो उनके लिए है। ए शॉपकीपर गिव्स 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 15% आफ्टर विच ही सेल्स गुड एट परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 30.05% on the cost price. Find the value of percentage profit that the shopkeeper would have earned if he had given discount of 10% and 15% only. तो क्या दिया हुआ है कि तीन consecutive discount दिए हुए उसके बाद profit होता है वो 30.0 होता है। मतलब कि अगर cost 100 rupees है और profit है 30.05, इसका मतलब क्या है 130.05 डिवाइड बाय 100 से कर दूं मैं तो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि तीन डिस्काउंट भी दी हुई है, तो 100/90 इसकी जगह पे मैं लिख दूं और 100/85 इसकी जगह पे मैं ये लिख दूं और 100/85 तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा MRP। तो यहाँ पे टोटल ये बन गया MRP बन गया टोटल। अब बताया गया है कि प्रॉफिट कितना होता अगर डिस्काउंट है 10 और 15% होती तो अगर मैं ये MRP पे 90/100 कर दूं और 85/100 कर दो तो ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा जो 100 रुपए हमने कॉस्ट प्राइस लिया था उसका। तो इसकी जगह मैं 2 जीरो लगा देता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 90 से 90 कैंसिल, 85 से 85 कैंसिल, ये 5 से चला जाएगा 17 और 5 × 2 = 10, 3 × 5 = 30, 0 × 5 = 5, 17 × 17 और 6 × 3 = 9, 17 × 85 और 17 × 3 = 51, यह आ जाएगा 153। 100 रुपए वाला आइटम है वो अब 153, मतलब 53% की डिस्काउंट, 53% का प्रॉफिट होगा। ये SP आया है और ये कॉस्ट प्राइस था। आंसर हो जाएगा इसका A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और दिया हुआ है ए पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली, कि एक पैदल यात्री है और एक साइकिल सवार है एक दूसरे की तरफ औरंगाबाद और पेठन से चलना स्टार्ट कर देते हैं और उनके बीच की दूरी है 40 किलोमीटर, 2 घंटे चलने के बाद में मिलते हैं और उसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की और साइकिल सवार पैदल यात्री से 7.5 घंटा पहले औरंगाबाद पहुंच गया। पैदल यात्रा की चाल निम्नलिखित में से क्या हो सकती है, आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको निकालने की कोशिश कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आप हमेशा ऑप्शन से निकालें तो फायदा होगा। देखो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में, पैठन और औरंगाबाद के बीच में। पद यात्री है यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता है और साइकिल यात्री है वो यहाँ से चलता है, 2 घंटे में वो मिल जाते हैं, 2 घंटे के बाद क्या करते हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, उसके बाद ये इस साइड चलता है ये इस साइड चलता है और ये जो साइकिल सवार है वो 7.5 घंटे पहले पहुंच जाता है, इसका मतलब ये दिया हुआ है। तो मैं पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर देता हूं, अगर 4 किलोमीटर/आवर की स्पीड है पैदल यात्री की 4 किलोमीटर की स्पीड है, चाल है, तो क्या है 2 घंटे में कितना चलेगा 8, 2 घंटे में 8 चलेगा और ये कितना चलेगा, अगर ये 8 चलेगा तो इसका मतलब 32 रहेगा और ये चलेगा फिर 32 किलोमीटर 2 घंटे, मतलब 16 की स्पीड इसकी है, साइकिल वाले की 16 की स्पीड है और 4 है उसकी स्पीड अगर मैं पहला ऑप्शन लेकर चलता हूं। तो अब देखिए कि यहां पे दूरी कितनी 8, तो 16 किलोमीटर गति से चला, 8 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लगा और यहां पे 4 किलोमीटर गति से जा रहा है, 32 किलोमीटर यहां है, चलने में कितना हुआ 8 घंटे लगे, तो कितना ये जल्दी कितना पहुंचा, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 7.5 घंटे का, तो इसका मतलब क्या है ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट था। इस तरह से अगर आप निकालेंगे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालेंगे तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में बन जाएगा और काफी लंबा खींच सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ ईच रुपीज 43892, क्या है कि 43,892 रुपए की जो बराबर की धनराशि है 2 व्यक्तियों में 3 वर्षों के लिए उधार पर दी जाती है, एक को 30% साधारण ब्याज और दूसरे को चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाता है, 3 वर्ष के आखिर में प्राप्त धनराशि है वो कितने प्रतिशत ज्यादा है चक्रवर्ती ब्याज से साधारण ब्याज, ये आपको बताना है। तो देखो ये अमाउंट लेने की आपको जरूरत नहीं होती क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा है, ये अमाउंट लेने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में पूछा है, 100 आप ले सकते हैं। तो 3 साल में 100 रुपए है, 3 साल में 30-30% के हिसाब से
कितना साधारण ब्याज हो जाएगा, 90 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल में, देखो 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए तो बनी रहा, ब्याज पे ब्याज बनता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से बन जाएगा 30% है ना, तो ये 9 3 27, तो आप ये इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, 90 रुपए 9 3 27 रुपए और 2.7 रुपए, तो ये हो जाएगा 119.7, मतलब 29.7 ज्यादा है 90 रुपए पे साधारण ब्याज पे कंपाउंड इंटरेस्ट, 100 पे कितना हुआ ये हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 9 3 27 और 9 3 27, 33% इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया हुआ है, ए बी को उस लाभ दर की 5/5 पर वस्तु बेचता है जिस पर बी ने सी को बेचने का निर्णय लिया, दूसरी तरफ सी इसे डी को उस लाभ दर की 1/3 पर बेचता है जिस पर बी ने इसे सी को बेचा था, यदि डी ने सी को 10% लाभ पे 2145 रुपए में दिया तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये क्वेश्चन हमें बताना है। तो देखो डी ने सी को 10% लाभ पे, डी 2145 रुपए दिए सी को, इसका मतलब सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो जाएगा, सी का सीपी हो जाएगा 4145 × 100, हंड कितना 100/110, ये क्या आ जाएगा, मतलब कि ये सेलिंग प्राइस था किसका, सी का, कितना 4145 रुपए, 10% लाभ होता है तो ये क्या आ जाएगा, सी का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है 11 × 11 10 11 99 और 1950 रुपए आ रहा है सी का कॉस्ट प्राइस। अब बी और सी का क्या रिलेशनशिप है, सी ऑन द अदर हैंड सेल इट टू डी एट ए 1/3 रेट ऑफ प्रॉफिट विच बी सोल्ड इट टू सी, बी जो सी को बेचता है उसकी तुलना में सी है डी को बेचता है 1/3 पे बेचता है, तो इसका मतलब ये 10% का लाभ था यहाँ पे, तो उसका 30% होगा, बी सी को 30% लाभ पे बेचता है तो सी क्या है कि इसका 1/3 लाभ पे बेचता है, इसका मतलब 10% पे बेचता है, ये बात ठीक है, तो बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 1950 × 100/130, ये क्या आ गया बी का कॉस्ट प्राइस आ गया, 13 × 13 13 × 65 1500 रुपए, 1500 क्या आ गया, ये बी का कॉस्ट प्राइस आ गया, हमें निकालना है ए का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ए ने कितने में खरीदा ये निकालना है, और ए बी का क्या रिलेशन है, ए बी को बेचता है 5/3 द रेट ऑफ प्रॉफिट एट विच बी है डिसाइडेड टू सेल इट सी, बी जो सी को बेचता है, बी और सी को कितने बेचता है 30% में, 30% का 5/3 5/3 तो इसका मतलब ए बी को कितने बेचता है 50% पे बेचता है, तो बी का अगर कॉस्ट प्राइस ये है तो ए का तो सेलिंग प्राइस होगा, तो ए का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 1500 × 100/150, तो कितना आ जाएगा ये 1000 रुपये आ जाएगा, 1000 कॉस्ट प्राइस है इसका ए का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ए इसका आंसर होगा, दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक आकृति दी हुई है नीचे और इसमें ये इस तरह से वर्ग बनाए हुए हैं, स्क्वायर बनाए हुए हैं, नीचे दी गई आकृति संकेंद्री वर्गों की एक समूह को दर्शाती है, मतलब एक ही केंद्र है इसका और इस तरह से आकृति ये दर्शा रही है, जो सबसे अंदर वाला वर्ग है उसका डायगोनल है वो 2 यूनिट है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, एक यूनिट है, यदि किसी भी 2 क्रमिक वर्गों के संगत कोणों के बीच की दूरी 1 है, ये 1 यूनिट है, जो 2 सक्सेसिव स्क्वायर हैं उनके बीच का डिस्टेंस है कोरस्पोंडिंग कॉर्नर का, वो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट ऐसे करके, तो हमें बताना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ 6th and 7th स्क्वायर, तो देखो ये पहला है स्क्वायर, ये दूसरा है, ये तीसरा है, आप बोल सकते हैं ये 1 है 2 है 3 4 ऐसे करके, अगर यहां से लेकर 7 स्क्वायर है तो 7 यूनिट दूरी होगी, तो इसका डायगोनल कितना हो जाएगा 7 × 7 = 14, मतलब कि एरिया होता है वो होता है 1/2 और डी स्क्वायर स्क्वायर का, तो इस केस में 1/2 तो ये 7 होगा, तो 7 × 7 = 14 इसका डायगोनल हो जाएगा, 14 × 14 इसका मतलब जिसका 7वां स्क्वायर होगा वो 98 उसका एरिया होगा, हमें 7वें और 6ठे के बीच में डिफरेंस पूछा है 6th और 7th के बीच में, तो 1/2 और 6 में क्या हो जाएगा 12, तो 12 × 12 72 इसका हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 26, दोनों के एरिया का डिफरेंस है
मतलब जो 7 स्क्वायर और 6 स्क्वायर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितना होगा, 26 स्क्वायर यूनिट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए किसी वृत्त की परिधि पर 8 बिंदु स्थित है। देखो एक ये वृत्त है, इसके ऊपर 8 पॉइंट है, ऐसे करिए 8 पॉइंट है, और इन बिंदुओं को अगर हम जोड़ते हैं त्रिज्या, हमें बताना है कि ट्रायंगल और चतुर्भुज है उनके बीच में, क्वाड्रिलेटर और ट्रायंगल के बीच में संख्या का डिफरेंस क्या होगा, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं अगर मैं इसको मिलाऊं ऐसे करके, ऐसे मिलाऊं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एनसीआर के फॉर्मेट में दर्शा सकते हैं। मतलब कि अगर 8 बिंदु है तो ट्रायंगल कितने हैं, एक ट्रायंगल में 3 साइड होगी, 3 बिंदुओं को मिलाने से बनते हैं, और ऐसे ही ऐसे अगर 8 बिंदु है तो 4 बिंदुओं को मिलाने पे क्वाड्रिलेटर बनता है। तो ये कितने हो सकते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन परमुटेशन, वो वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, इस केस में 3 इंटू 2 और n माइनस r मतलब 5 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसका मतलब त्रिभुज कितने, 56 त्रिभुज बनेगी, और जो क्वाड्रिलेटरल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए ऊपर, और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और कितना हो जाएगा, ये 8 में 4 का 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 दूनी 8 तो ये कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 70 70 क्या क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे, तो 70 में से 56 गए कितना हो जाएगा, 14 है वो डिफरेंस आ जाएगा। पूछा कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 14 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ अगले क्वेश्चन में, देयर आर टू वेसल ऑफ इक्वल कैपेसिटी, दो बर्तन है जिनकी की कैपेसिटी बराबर है, एक में दूध का भरा हुआ है, दूसरे में एक तिहाई है वो वाटर है, दूसरा बर्तन है वो पहले से भरा जाता है, पहले जो कंटेंट है उससे भरा जाता है, और कंटेंट ऑफ द सेकंड फिर दूसरे के कंटेंट है पहले में दोबारा डाल दिए जाते हैं, और फिर पहले वाले कंटेंट दूसरे में दोबारा डाल जाते हैं, तो 3 बार ये एक्सचेंज होता है प्रोसेस, और आखिर में ये दूसरे वाला भर जाता है। तो बताओ कि जो दूध का प्रतिशत है, दूध कितना है टोटल दूसरे वेसल में, तो देखो कैसे करेंगे, 3 बार हो रहा है 1/3, तो हम क्या है 27 यूनिट ले सकते हैं, 1/3 3 27 यूनिट ले लीजिए पूरी कैपेसिटी, आप 100 भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, और भी अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन इससे फ्रैक्शन में नहीं जाएगा। मतलब कि दो जो बर्तन है उसमें एक में 27 है, वो 27 यूनिट मिल्क है, और दूसरे में एक तिहाई भरा हुआ है, किसका, वाटर का, तो इसका नो वाटर है उसमें, एक तिहाई कैपेसिटी दोनों की 27 है, लेकिन वाटर किसमें कितना, इसमें एक तिहाई भरा हुआ है, ये नो यूनिट वाटर है। अब क्या है कि इसको भरा जाता है पहले से, तो इसका मतलब ये 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा तो क्या करेंगे, 18 तो दूध आया इसमें और 9 वाटर था ही, और यहाँ पे कितना 9 रह जाएगा। अब पहला केस ये हुआ, फिर क्या है दोबारा इस पे जाता है, इसका मतलब ये भरा जाता है, तो 27 इसमें होगा, 27 इसमें होगा, मतलब कि इसमें एक तिहाई बच जाएगा, एक तिहाई का मतलब 6 ये बच जाएगा और 3 ये बच जाएगा, एक तिहाई इसका 3 यूनिट होगा, तो 9 यूनिट, इसका मतलब ये डबल हो जाता है, दो तिहाई, तो ये पहले तो था 9m, अब क्या है कि 6m का कितना हो जाएगा 12m और 6W, मतलब कि 12×9=21m और 6W 27 हो गया टोटल यूनिट, और ये साइड 9 है, ये दूसरा केस हुआ। फिर क्या है कि इसका फिर इसमें डाला जाता है, तो इसमें कितना आ जाएगा, एक तिहाई बच जाएगा ये, तो एक तिहाई 7m और 2W मतलब 9 बच गया, और दो तिहाई इसका डबल है वो इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, तो 14m और 4W, और पहले कितना था 6m और 3W, ये कितना हो जाएगा 14×6=20 और 4×3=7, तो 20 तो दूध है और 7 है इसमें यूनिट पानी, तो इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड ट्रांजेक्शन हुआ उसके बाद में 27 में से 20 है वो यूनिट दूध है, तो पूछा दूध की क्या रेशियो है, 20:27, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए टीम ऑफ 30 मैन इज सपोज टू डू ए वर्क, एक 30 पुरुषों का एक समूह है किसी काम को 38 दिन में करता है, 25 दिन के बाद में 5 आदमी और आ गए हैं, और 5 आदमी और लगा दिए जाते हैं, तो वर्क एक दिन पहले खत्म हो जाता है, बताओ
कि हाउ मेनी डेज वुड इट हैव टेक, अगर ये कितने दिन लेट होता अगर वो पांच आदमी नहीं आते तो. तो क्या लिखा हुआ है कि 25 दिन में, 25 दिन में, 25 दिन में कंप्लीट हो जाए, 25 दिन के बाद में. 25 दिन के बाद का मतलब क्या हुआ कि पांच आदमी और आते हैं, पहले कितने थे 30, तो अब कितने हो गए 35 आदमी हो गए, 35 आदमी हो गए और एक दिन पहले ही काम खत्म कर देते हैं. तो पहले कितना खत्म हो रहा था 38 में, अब 37 में होगा, 37 में होगा और कितना 25 दिन के बाद, मतलब कि 12 दिन, 35 आदमी 12 दिन में कितना काम करेंगे, 12 पंच 60 भारतीय 36 है 42, 420 यूनिट काम कर देंगे 35 आदमी 12 दिन में, ठीक है. लेकिन वो पांच नहीं आते थे, इसका मतलब 30 आदमी रहते और काम कितना है, काम तो इतना ही था. तो कितना, इसका मतलब ये हुआ कि ये 14 दिन में खत्म करते, 30 आदमी 14 दिन में खत्म कर दे, इसका मतलब एक दिन और लगता उनको, 38 दिन लग रहे थे तो अब वो 39 दिन लगते, ठीक है. तो एक दिन और, आंसर हो जाएगा इसका ए. अगला क्वेश्चन देखते हैं 59. ए मंकी ट्राइज टू असेंड, एक बंदर है वो 92 मीटर ऊंचाई पे कोई ग्रीस्ड पोल है उसके ऊपर चढ़ता है, ये इस तरह से 92 मीटर है पोल, 10 मीटर चढ़ता है पहले मिनट में, लेकिन दूसरी मिनट में एक नीचे आ जाता है एक मीटर, मतलब 10 मीटर चढ़ा और दूसरे में नीचे आ गया, 2 मिनट में 9 मीटर चढ़ा, इसका मतलब अगले 2 मिनट में 9 मीटर चढ़ेगा क्योंकि 10 चढ़ेगा और एक नीचे आ जाएगा. ऐसे करके इसका मतलब यह है कि 9 मीटर चढ़ता है वो 2 मिनट में, तो 90 मीटर कितना चढ़ा 20 मिनट में, 20 मिनट में 90 मीटर चढ़ा. अब दिया हुआ है कि बताओ कितना चढ़ जाएगा वो, पूरा कितना समय लगेगा, तो 90 मीटर तो 20 मिनट में चढ़ा, लेकिन अगला जो 2 मीटर है उसमें तो कोई नीचे आएगा ही नहीं ना, तो 2 मीटर अगर वो 10 मीटर चढ़ने में 60 सेकंड ले रहा है, 10 मीटर चढ़ने में 60 सेकंड ले रहा है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, तो 2 मीटर में कितना रहेगा 12 सेकंड, 12 पंच 60 2 पंच 10, तो 20 मिनट और 12 सेकंड ये इस दौरान वो इसमें चढ़ जाएगा. तो आंसर क्या है, 20 का आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन करते हैं. रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ इज 50, ये 50 नहीं है यहाँ पे, रूट 50 है, रूट 50 है, ये आपको ध्यान में रखना है कि एक एक वृत्त है उसकी त्रिज्या है रूट 50, ए और सी है दो पॉइंट है सर्कल के ऊपर है और बी पॉइंट है सर्कल के अंदर है, लेंथ ऑफ ए बी है 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी है 2 सेंटीमीटर, एंगल ए बी सी जो राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बनेगा और आपको बताना है कि ओ बी है, ओ बी उसकी डिस्टेंस कितनी होगी स्क्वेयर, ओ बी स्क्वेयर कितना होगा ये बताना है. तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ एक एक स्क्वेयर ऐसे करके, इस पे एक बी पॉइंट है यहाँ पे और पॉइंट ए और सी इसके ऊपर है, ये बी पॉइंट है, ए और सी है वो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, सॉरी यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे बी होगा क्योंकि 90 डिग्री बी पे है, ए बी सी यहाँ पे है, ये दिया हुआ है और ओ इसका सेंटर है और ये रेडियस है जो है रूट 50, ये दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, ए एंड सी आर टू पॉइंट ऑन द सर्कल, बी इज अ पॉइंट ऑन पॉइंट इनसाइड द सर्कल, ये इनसाइड के सर्कल में है, लेंथ ऑफ ए बी सी, ए बी, ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी कितनी है, ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी यहां से लेकर यहां तक है वो है 2 सेंटीमीटर और हमें बताना है कि ओ बी जो ये है ना ये कितनी हो जाएगी, ये कितनी है ये हमें बताना, ओ बी का स्क्वायर. तो अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिराता हूं, इसका मतलब अगर ये पता चल जाए, हमें ये पता चल जाए तो हम ये निकाल सकते हैं और उसका फिर स्क्वायर भी निकाल देंगे और ये तो दी हुई है, लेकिन ये अगर मुझे पता चले, ठीक है ये पता चले तो ये निकाल सकता हूँ या ये पता चले तो ये निकाल सकता हूँ और यहाँ पे ए बी सी डी ओ एच है, मैं इसको आगे बढ़ाऊं और इसको भी आगे बढ़ाऊं तो हमारे पास क्या है, ए बी सी और मैं इसको लिख देता हूँ डी और इसको लिखता हूँ ई और ये कर लेता हूँ मैं एक्स और ये कर लेता हूँ मैं वाई. तो क्या आ जाएगा, देखिए ये प्रॉपर्टी बनती है ए बी इंटू बी डी और बी सी इंटू BE, ये एक प्रॉपर्टी होती है, AB कितना है 6, BD कितना है X, BC कितना है 2 और BE कितना है Y, तो इसका मतलब 3X is equal to Y. आप बोल सकते हैं ये 3X है, ये 3X है, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ये निकालना हो
ताकि ये मैं निकल पाऊं। तो ये क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा ये निकालने के लिए, जैसे दो यहां पे इस साइड में दो माइनस कर दूं, दो माइनस कर दिया, इसका मतलब इसका अगर यहां पर पंडल ग्राउंड तो दो भागों में बांटेगा, तो इसको मैं ये टोटल कितना 3x, मतलब y है जो कि 3x के बराबर है, 3x माइनस 2 क्यों, क्या क्यों, ये 2 था तो यहां पे भी ये बाहर कर दिया मैंने 2, तो ये परपेंडिकुलर ग्राउंड को दो भागों में बांट देगा, दो भागों में बांट दिया, तो ये क्या आ जाएगा, ये और ये दोनों बराबर, तो ये आ जाएगा मेरा ओ, और मैं इसको मान लू एफ, ओ एफ आ जाएगा, ये आ जाएगा ओ एफ। अब देखिए ए एफ, ए एफ कैसे निकालूंगा मैं इसको, क्योंकि ये यहां से दो भागों में बांट रहा है इसको, तो ये 6 था ये x है, तो ए एफ कितना हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा 6 प्लस x डिवाइड बाई 2। तो और ये दिया हुआ है √50, तो ये स्क्वायर करूं मैं इसका, तो ये 50 हो जाएगा, मतलब ओ एफ स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर है वो 50 के बराबर है, दोनों का जोड़ 50 के बराबर है। ओ एफ स्क्वायर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि 3x माइनस 3x, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं 3x/2 - 1 इसका स्क्वायर, और प्लस में 6/2 कितना हो जाएगा 3 और x/2 इसका स्क्वायर है वो 50 के बराबर है। इससे हमें ये कंक्लूजन निकाल दिया। अब देखिए 9x² / 4 + 1 और माइनस में 3x, क्योंकि 2 × 3x / 2 × 1 है वो 3x के बराबर हो जाएगा, प्लस में 9 और x² / 4 और प्लस में ये आ जाएगा 3x = 50। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 9 और 10 इस साइड जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप बोल सकते हैं कि 9 और 10 10x² / 4, तो ये आ जाएगा इस साइड जाएंगे तो 140। आप बोल सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो हम इसमें x रखेंगे, 4 × 12 में से 2 गए 10, 10/2 = 5, तो ओ एफ की वैल्यू आ जाएगी 5। मतलब कि ये जो हमें निकालना था इसमें ये ओ एफ है इसकी वैल्यू आ गई 5। अब टोटल ये 6 है और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 6 + 4 = 10, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 6 × 10/2 = 5, तो ये आ जाएगा ए एफ 5। टोटल ए भी 6 है, ए एफ 5 है, ये कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मतलब ये 5 है ये 1 है, ये कितना आएगा और इसका स्क्वायर, तो 25 + 25 = 26 आ जाएगा इसका, a² + b² = c², c² की वैल्यू पूछी हमें 26, आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है हमें कि इसका शेडेड रीजन है वो बताना, इसका एरिया क्या होगा, और 3 सर्कल इक्वल रेडियस है और रेडियस है ए, मतलब कि ये जो रेडियस है ये वाला रेडियस ये ए है, ये ए, ये ए, ए, ए और ए, और इसका एरिया होता है √3/s² साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है ए और ए, मतलब कि 2a, दूसरे शब्द में बोल सकते हैं √3/4 और 4a², तो √3a² ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। और अगर मैं इसका एरिया ये क्या है 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और रेडियस कितना है a, तो π r² r कितना है a डिवाइड बाय 2 π r² / 2, ये क्या है, तो ये है इसका एरिया। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे √3a² - π a² / 2, तो क्या जाए a स्क्वायर में कॉमन ले लूं और तो क्या हो रहेगा √3 - π / 2, या दूसरे शब्द में 2 और 2√3 - π / a², तो ये आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है इन ए सर्टेन कॉलोनी ऑफ कैंसरियस सेल, कि एक कैंसर युक्त कोशिकाओं का एक समूह है, प्रत्येक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती है 1 घंटे में, और एक सिंगल प्रोडक्टिव सेल है वो शुरू में स्टार्ट होती है और ये प्रोसेस 9 घंटे तक चलता है, हाउ मेनी सेल विल बी कॉलोनी विल द कॉलोनी हैव एट द एंड ऑफ 9 आवर्स, 9 घंटे के बाद में पूरी कॉलोनी में कितनी सेल्स होंगी, और ये देखा गया है कि 20 घंटा एक लाइफ है एक सेल की। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है कि एक सेल थी 2 बन गई 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी है 2 बन गई,
उसके बाद आगे इसका टूटा दो आगे बन गई, फिर आगे टूटा इसकी दो बन गई, इसकी दो बन गई अगले घंटे में, इसकी दो बन गई अगले घंटे, मतलब कि एक घंटे में, पहले घंटे में क्या बनी दो, पहले घंटे में बनी दो की पावर एक, दूसरे घंटे में बनी दो की पावर दो, तीसरे घंटे में बनी आठ ना दो की पावर तीन, चौथे घंटे में दो की पावर चार, ऐसे पांचवें में, छठे सातवें आठवें नौवें में दो की पावर नौ, दो की पावर नौ। और लिखा हुआ है लाइफ साइकिल 20 है, इसका मतलब कोई मरेगी नहीं, क्योंकि नौ घंटे में खत्म ही हो गए तो नौ मरेगी नहीं, तो इसलिए आंसर क्या हुआ सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द सेंटर ऑफ ए सर्कल इन साइड ए ट्रेंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 625। क्या दिया हुआ है त्रिभुज के भीतर एक केंद्र है जिसका की 625 मीटर दूरी है हर वर्टिक्स से, ट्रेंगल के हर वर्टिक्स से। इफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 350 सेंटीमीटर एंड सर्कल इज टचिंग ओनली टू साइड ऑफ अ ट्रेंगल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल। पहले ट्रेंगल बना लेते हैं, अगर मैं ये ट्रेंगल बनाऊं ऐसे, इसमें एक सर्कल है दो साइड को टच कर रहा है, और ये जो सेंटर है ये इससे वर्टिक्स में तीनों केसेस में ये बराबर की दूरी है, और कितनी दूरी है 625 दी हुई है, इसका मतलब ये 625 है, ये भी 625 है, ये भी 625 है। फिर दिया हुआ है डायमीटर सर्कल का 350 है, मतलब कि रेडियस 175 हो जाएगा, इसका रेडियस 175, इसका रेडियस 175, ये तो आप देखिए ये 625 है, ये 175 है, तो ये क्या ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन जाएगा ये 625, मतलब 25 × 25, ये 25 × 7 और ये 25 × 24, 24 7 24 25 का पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, तो ये कितना हो जाएगा 600। तो इसका मतलब एक साइड अगर 625 है, दूसरी ये है 175, तो ये कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी, 600 ये होगी क्योंकि ये 625 है, ये 175, तो ये भी 600 होगी, तो 600 और 600 1200, ये 1200 हो गई और ये भी 1200 हो जाएगी, मतलब कि दो साइड 1200 1200 हो गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई ये। तो अगर मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड को मैं लंब गिराऊं तो ये केंद्र से गुजरता हुआ सामने वाली साइड को दो भागों में बांट देगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही हो। अब क्या है कि ये जो ट्रायंगल है ये ए बी सी, और मैं अगर इसको डी लिखूं और इसको ये तो ओ है ही, और इसको लिख देता हूं मैं ई, तो क्या होगा कि ये दो ट्रायंगल ए डी ओ, ट्रायंगल ए डी ओ और ट्रायंगल ए ई सी, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ट्रायंगल ए ई सी, ये दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर है, क्यों सिमिलर है, ये एंगल दोनों का कॉमन है, ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा, और ये 600 है और ये 175 है, तो अगर मैं लिखूं ए डी, ए डी बटे में ए ई, और ये क्या है ये बेस, तो ये डी ओ बटे में ई सी, और ये है हाइपोटेन्यूस ए ओ, और ये हो जाएगा ए सी। कोरस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, तो ये क्या है ए डी, ए डी कितना 600, ए ई, ए ई कितना है हमें पता नहीं है, डी ओ, डी ओ कितना 175 175, ई सी ये हमें पता नहीं है, ए ओ, ए ओ कितना है ये है ये 625, क्योंकि ये वाला था 625 सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, और ए सी, ए सी कितना 600 और 600 1200, तो हमें क्या है कि यहाँ पे ई सी आ जाएगा, पहले तो ई सी निकाल लेते हैं, ई सी कितना आ जाएगा, ई सी आ जाएगा 1200 175 और डिवाइड बाई 625, 25 से 175 और 25 चौक 100 756 728 533 336 आ जाएगा, ई सी 336 है। फिर आ जाता है हमें और क्या निकालना है ए ई, इससे क्या है पूरी ट्रेंगल का एरिया निकालना है, हमें पूरी ट्रेंगल का एरिया निकालना है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो हाइट निकालने के लिए ए ई होगा, ए ई कितना हो जाएगा यहाँ पे इससे कैलकुलेट कर सकते हैं ए ई, तो ए ई साइड जाएगा 1200 × 600 और डिवाइड बाय 625, ये 24 आ जाएगा यहाँ पे और ये 25 हो गया और ये आ जाएगा 2548 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1/2
बेस कितना है, बेस ये है 2 × 336 इंटू दो क्यों किया, क्योंकि ये आधा है तो ये पूरा ये हो जाएगा, दो से गुणा कर दिया। आप चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं इसको। 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट आई हमारी ये 48 × 24, ठीक है। तो इसका गुणा करेंगे 4×32, 2 आया यूनिट, 2 × 6 = 12, तो अल्टीमेटली 2 यूनिट डिजिट आ रहा है, 2 यूनिट डिजिट 1 में, वरना आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से आप कैलकुलेट आगे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दिया हुआ है कि दो बकरी बांधी हुई है, टू गोट्स आर टेथर्ड टू डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर फील्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द अनदर स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 20√2 meters, द इनर स्क्वायर फील्ड इज फेंस्ड ऑन ऑल साइड एंड द गोट्स आर अलाउड टू ग्रेज ओनली इनसाइड द इनर फील्ड, इफ देयर ग्रेजिंग रोप्स आर ऑफ द लेंथ ऑफ अ रो 10√2 meters इज, फाइंड द टोटल एरिया ग्रेज बाय टू गोट्स टुगेदर। क्या दिया हुआ है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे करें स्क्वायर दिया हुआ है, इस स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिला दिया जाता है और डायगोनली बकरियों को बांधा जाता है, मतलब एक बकरी यहाँ पे बंधेगी, एक यहाँ पे बंधेगी। ये जो एरिया है किस रस्सी से बांधा जाता है, 10√2, ये 10√2 है, और जो स्क्वायर था स्टार्टिंग वाला वो था 20√2, मतलब कि ये 20√2 है। हमें बताना ये एरिया कितना होगा, दोनों बकरी कितना घास करेगी, इस साइड वाला और ये इस साइड वाला, रस्सी है 10√2, तो टोटल अगर हमें 20√2 था तो ये आधा हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा 10√2, इसका मतलब ये साइड भी 10√2, हमें ये पता है 10√2, ये पता है 10√2, तो ये निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 × 2 = 200 और 200 = 400, 400 का रूट कितना होगा 20, तो साइड कितनी आ जाएगी इसकी 20 आ जाएगी, मतलब कि ये साइड 20 है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो ये तामझाम करने की जरूरत नहीं, हमारे पास तो ये दिया हुआ है कि रस्सी है ना उसकी लेंथ है 10√2, तो ये 10√2 था और ये 10√2 है, ये रस्सी है, तो ये 90 डिग्री और 90 डिग्री 180, तो इसका मतलब तो ये निकालने की जरूरत, सीधा आप निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि 90 90 180 सेमी सर्कल बन रहा है, तो क्या होगा आर स्क्वायर, आर कितना है 10√2, तो पाई 10√2 कितना हो जाएगा 200, 10√2 का स्क्वायर कितना होता है 200/2 = 100 आ जाएगा, 100 पाई इसका आंसर है, तो ए इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, इफ x² + 3x - 10 इज ए फैक्टर ऑफ 3x², ये इसका फैक्टर है, आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ए और बी की कितनी होगी, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करते हैं कि x² + 3x - 10 = 0, हमें रूट निकाल लेने हैं इसके, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x - 2x - 10 और x x + 5 और x + 5 आ जाएगा यहाँ पे x - 2 और x + 5, तो इसकी वैल्यू कितना है x आ जाएगा 2 और x आ जाएगा -5, ये दो वैल्यू आ गई, ये दो वैल्यू आ गई, इसके रूट निकल गए, यहाँ पे सीधा भी निकाल सकते थे, 5 × 2 = 10 बन रहा है। अब हमें इसकी वैल्यू एक बार 2 रखनी है, एक बार 5 रखनी है, तो हम आगे फिर ए और बी की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो पहले 2 की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 = 48 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 × 2 = 16 2 की पावर 3 = 8 × 8 = 16 और ये आ जाएगा 2 × 4 = 8 यहाँ पे आ जाएगा 2b और -a + b - 4 = 0 यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 × 5 - 5a + 3b 2 × 3 हो जाएगा 3b इज इक्वल टू 16 × 4 = 12 और 48 = 60 इस साइड जाएंगे माइनस में, या दूसरे शब्दों में 5a - 3b इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1 आप इसको बोल सकते हैं। अब हमें -5 इसमें रखना है, -5 × 4 तो कितना हो जाएगा, ये -5 की पावर 4 तो ये हो जाता है 625 × 3 = 1875 1875 यहाँ पे लिखो मैं 1875 माइनस, तो ये हो जाएगा 125 × 2 = 250 हो जाएगा, और आगे हो जाएगा -25 ये -25a, क्योंकि माइनस और माइनस माइनस फाइव और -5 25 हो जाएगा,
और आगे माइनस करें तो 25 ए फिर हो जाएगा 5 बी माइनस 5 बी माइनस ए प्लस बी माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कितना 25 और एक 26 माइनस 26 ए 5 और एक कितना हो जाएगा 4 बी इज इक्वल टू 1875 में से ये 250 माइनस करेंगे 1625 और ये आ जाएगा 1621 और इस साइड करेंगे माइनस 1621। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 26 ए प्लस 4 बी इज इक्वल टू 1621। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये एक आई है ये बी आई है इसको मैं अगर 4 से गुणा कर दूं इसको 3 से कर दूं तो क्या ये बैलेंस हो जाए 4 3 12 और यहाँ पे 12 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा बीच वाला 520 20 ए और 26 थी 78 ए 20 और 78 कितना हो जाएगा 98 ए दोनों को जोड़ेंगे 98 ए हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा और ये 240 और 1863 में से हम 240 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3 6 4 10 5103 आ जाएगा 48 ए 5103 के बराबर है। 7 6 14 98 7 7 49 2 7 14 7 63 ए है वो 729 बटे में 14 मतलब कि 14 5 70 14 28 52 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 52 एक तो आ गया। इसका हम बी और सी में आंसर हो सकता है। ए की वैल्यू अगर 52 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 52 ए की वैल्यू तो 5 2 10 5 5 25 26 260 हो जाएगा। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो 260 इस साइड जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 तो 3 बी इक्वल टू 200 बी की वैल्यू कितना 200 बटे में 3 67 आ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा सी बी की वैल्यू 67 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक बर्तन है जो कि होलो सिलेंडर है और हेमिस्फेयर के ऊपर है वो ये हेमिस्फेयर है और ये होलो सिलेंडर है। डायमीटर स्फेयर का वह 14 सेंटीमीटर मतलब कि 7 रेडियस है 14 डायमीटर है। हाइट ऑफ द वेसल है वो 13 सेंटीमीटर है हमें कैपेसिटी बतानी है। हाइट अगर 13 है ये 7 है क्योंकि हेमिस्फेयर है ये 7 होगा ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो हमें क्या करना है पाई आर स्क्वायर एच और प्लस में 2/3 पाई आर की पावर 3 हम क्या करें यहाँ पे पाई पाई की जगह 22/7 रख दूं मैं आर स्क्वायर कितने 7 × 7 और एच कितने 6 प्लस में 2/3 पाई पाई क्या लिखूंगा 22/7 आर की वैल्यू 7 × 7 × 7 तो कितना हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल 22 और यहाँ पे भी 6 है और तो मैं क्या करूँगा 22 × 7 × 2 ये मैं कॉमन ले लेता हूँ 3 यहाँ पे बच गया और इसमें क्या बच गया यहाँ पे हो जाएगा 7 × 14 7/3 तो ये 22 × 7 × 14 हो जाएगा और 3 × 3 9 7 16/3 ये आ गया तो कितना हो जाएगा 16 × 32 16 × 32 7 × 35 × 14 × 28 14 × 5 70 8 × 2 72 14 3 42 और 7 49 4928 में 3 से भाग दे दूं 3 × 3 1 3 6 18 3 7 21 और 3 6 18 ये 42 हो जाएगा 16 से 42.67 के आसपास हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या दिया हुआ है इसमें हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन 11 और 1111 के बीच में कितने अंक पड़ेंगे जो कि 9 से भाग हो जाते हैं तो 6 रिमाइंडर होता है 21 से भाग देते हैं तो 12 रिमाइंडर होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 11 और 1111 के बीच में तो देखिए अगर मैं ये लिखूं 9k प्लस में 6 और यहाँ पे लिख देता हूँ 21k प्लस में 12 इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये आ जाएगा 33 मतलब कि 33 वह संख्या जो 21 से भाग देंगे तो 12 शेष बचेगा और अगर मैं यहाँ पे 33 करूँ तो क्या करूँगा यहाँ पे 3 से गुणा कर दूँ 9 3 27 6 33 इसका मतलब क्या है कि 33 वह संख्या आई है पहली संख्या है जो 9 से भाग देंगे 6 बचेगा 21 से भाग देंगे 12 बचेगा। अब मैं 33 और 66 लिखूंगा तो क्या ये बात ट्रू है कि 21 से भाग देंगे तो 12 बचेगा 21 × 42 63 तो इसका मतलब ऐसा नहीं है तो क्या होगा जब मैं 21 और 9 का एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 21 और 9 का एलसीएम 63 होगा 63m इसके साथ मैं m रख देता हूँ k रख लीजिए थी m रखूंगा और प्लस में 33 तो क्या आ जाएगा अगर मैं m की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये कितना आ जाता है 96 और m की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा
इसमें फिर हम 63 और जोड़ देंगे, 6 3 9 9 6 15 159। तो देखिए ये 9 से भाग देंगे 6 बचता है, 12 से भाग देंगे इसमें 21 से भाग देंगे तो 12 बच जाएगा। ऐसे इसको 9 से भाग देंगे तो 6 बचेगा और 21 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 12, ठीक है। 21 से 147 9 3 12 बच जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे करते जाएंगे 3 और प्लस में 33, तो कब तक करेंगे जिससे कि 1111 के नजदीक पहुंच जाए। अगर मैं 18 6 108 ये ज्यादा हो जाएगा, 17 6 102 17 से गुणा करूं, 17 51 17 6 102 और 5 107 1071 में 33 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 3 7 3 10 1104। इसका मतलब आखिरी संख्या है 63 × 17 हो सकती है, जिसमें कि 13 जोड़ेंगे 1104 आ जाएगा। अगर 9 से भाग देंगे 6 बचेगा और 21 से भाग देंगे 12 बच जाएगा। तो ये 17 संख्याएं थी और एक कौन सी थी, पहली वाली 33। 17 और 1 18 टोटल ऐसी संख्याएं हैं जो कि इसके बीच में पड़ेगी 11 और 1111 के। तो बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में कि 12-15 टीम है एक दूसरे के साथ टूर्नामेंट खेलती है और ईच टीम है वो प्लेज विद एवरी अदर टीम एग्जैक्टली वंस, एक बार खेलती है दूसरे टीम के साथ में। ए टीम गेट्स और एक टीम 3 पॉइंट जीतती है, 3 पॉइंट मिलते हैं उसको अगर वो जीतती है तो 2 पॉइंट मिलते हैं, हारती है तो 1 पॉइंट मिलती है, लॉस होता है तो जो सबसे कम स्कोर किया वो 21 पॉइंट हुआ है किसी टीम ने जो किया है सबसे कम स्कोर। और स्कोर ऑफ ऑल द टीम वर डिस्टिंक्ट, हर टीम का स्कोर अलग है एक दूसरे के साथ डिफरेंट है। और एटलीस्ट वन मैच है वो विनिंग टीम जरूर ड्रॉ करती है, तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू फॉर द विनिंग टीम। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए, आसान सा ही है वैसे तो, ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो 15 टीम है, इसका मतलब एक टीम 14 मैच खेलेगी दूसरे के साथ में, मतलब 14 मैच खेलेगी हर टीम। तो टोटल मैच कितने हुए, टोटल मैच कितने हुए अगर 14 मैच खेले जाते हैं तो क्या हम कैसे निकाल सकते हैं, हम n by 2 और a plus l ये भी कर सकते हैं, 14/2 7 और 1+14 तो 15 105 मैच खेले जाएंगे। टोटल 105 मैच खेले जाएंगे और एक मैच में 4 पॉइंट होंगे, क्योंकि अगर कोई जीतता है तो 3 पॉइंट जीतने वाले को और एक हारने वाले को, और बराबर भी होता है मैच तो दोनों टीमों को मिल जाएंगे। तो इसका मतलब टोटल पॉइंट कितने, 420 टोटल पॉइंट कितने आ जाएंगे, 420 पॉइंट टोटल हो रहे हैं। अब बात आ जाती है कि जो कब सबसे कम जिसने लिए हैं पॉइंट वो 21 नंबर है और 15 टीम है टोटल, तो 21 22 23 24 इसका मतलब 35 तक अगर अलग अलग टीम के अलग अलग नंबर हैं तो 15 टीम हो गई है, 35 नंबर है। क्या देखें कि 35 है वो हाईएस्ट नंबर है या नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, 35 हाईएस्ट है और 21 लोएस्ट है, टोटल पॉइंट कितने हुए फिर, तो 15 तो टोटल है ये संख्या, एन की संख्या कितने 15 15/2 एन बाई टू, पहली संख्या 21 आखिरी संख्या 35, तो 35 और 21 कितना हुआ 56 56/2 मतलब 28, 15 × 28 कितना हुआ 15 120 15 × 2 30 42। इसका मतलब क्या, ये बात ट्रू है कि 35 हाईएस्ट पॉइंट है, 420 टोटल नंबर आए हैं, 420 यहाँ पे बन रहे थे, तो ये बात प्रूव हो गई है 35 हाईएस्ट नंबर। अब ये देखना है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ले रही है टीमें उस वो किस तरह की कंडीशन यहाँ पे बन पा रही है। तो देखिए अगर मान लो वो 10 ये विन करती है, ड्रॉ करती है, ये लॉस होती है, 10 विन करती है तो 10 30 पॉइंट हो गए, 10 30 पॉइंट हो गए। अगर मान लो वो एक ड्रॉ करती है, 10 1 ड्रॉ करती है तो 30 2 32 35 टोटल कितने होने चाहिए, एक टीम 14 मैच खेलती है, यही तो बताया था स्टार्टिंग में कि एक टीम 14 मैच खेलती है क्योंकि 15 तो टोटल टीम है तो अपने आप के साथ तो खेलेगी नहीं तो 14 मैच खेलेगी। अब आ जाते हैं 9 यहाँ पे करूँ मैं और 3 9 3 27 और 3 2 6 27 6 33 पर 2 35 तो इसका मतलब 35 नंबर बन रहे हैं और 14 मैच हो गए, मतलब 9 जीते 3 ड्रॉ हुए 2 बराबर हुए। अगर मैं यहाँ पे 8 करूँ 8 3 24 5 2 10 24 10 34 और 1 8 5 13 1 14 ये कम्बिनेशन भी बन रहा है, तो इस तरह से कम्बिनेशन बनेंगे। लेकिन क्वेश्चन है पहला कि देखिए इट हैड एटलीस्ट 2 ड्रॉज, इट हैड मैक्सिमम 4 लॉस, इट हैड मैक्सिमम 9 विंस, मैक्सिमम 9 विंस नहीं हो सकती इसलिए ये गलत है क्योंकि 10 भी पॉसिबल है। मैक्सिमम एटलीस्ट 2 ड्रॉज, एटलीस्ट 2 ड्रॉज 2 से ज्यादा है लेकिन 2 से कम भी है, देखो 2 से कम भी बन रहा है तो 2 से ज्यादा भी बन रहा है, तो इसका मतलब ड्रॉ के केस में ये बात भी पॉसिबल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 2 नहीं है तो ऑल द अबव
करेक्ट ऑल द वो, ये भी बात नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी। तो अब इसको प्रूव कर लेते हैं, मैक्सिमम चार लॉस हो सकता है, यहाँ पे तीन लॉस हुआ है, तो इससे तीन से ज्यादा तो गए ही नहीं है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट है करेक्ट है, क्योंकि चार, तीन तो चार से कम होता है ना, तो मैक्सिमम चार लिखा हुआ है तो यहाँ पे तीन ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बीस का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा क्या हुआ है इसमें कि देखिए यहाँ पे ये पावर दी हुई है, ये इक्वेशन दी हुई है, और एक्स यहाँ पे लिख सकता हूं मैं साइन थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा, और साइन बटे कोस होता है, ये कोस है यहाँ पे, कोस इस साइड जाएगा तो कोस हो जाएगा, साइन बटे में कोस टेंजेंट होता है, टेंजेंट थीटा वाई बाई एक्स आ जाएगा, वाई बाई एक्स हो जाएगा, मतलब कि ये वाई है ये एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ये वाई स्क्वायर रूट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ वाई की, क्या रखूंगा मैं, एक्स इंटू इंटू एक्स और वाई, वाई स्क्वायर का रूट डिवाइड बाय, यहां पे क्या रखूंगा मैं, यहां पे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ये बटे में ये, मतलब कि वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसका पावर थ्री, और प्लस में वाई, कोस क्या होता है एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रूट और इसकी पावर तीन, और इज इक्वल टू साइन, साइन थीटा क्या होता है वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये रूट, और इनटू कोस, कोस क्या होगा एक्स और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, क्योंकि ये गुणा होंगे तो एक बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्स की पावर वाई थ्री, और ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा वाई और एक्स की पावर थ्री, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे कर दूं मैं, इज इक्वल टू एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा, मतलब कि ये वाई स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऊपर, क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना इनके साथ में, एक्स वाई के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बच रहा है, और नीचे क्या बच जाएगा, इसकी दोनों की गुणा करूंगा मैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मतलब कि दोनों कैंसिल कर जाएंगे तो एक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70th, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय थ्री डिफरेंट एनजीओ इन फाइव डिफरेंट स्टेट्स, ये दिया हुआ है, इन विच स्टेट वाज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एनजीओ ए एंड बी टुगेदर सेकंड लोएस्ट, सबसे कम इसमें है और सेकंड लोएस्ट इसमें है, ए ये क्या है, ये पंजाब है, ये पंजाब है, तो आंसर डायरेक्टली आप पंजाब लिख सकते हैं, पंजाब लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एनजीओ सी एंड एनजीओ बी, एनजीओ सी एंड एनजीओ बी इन बिहार, इन बिहार, तो एनजीओ सी कौन सा है, एनजीओ सी ये है, और एनजीओ बी, एनजीओ बी कौन सा है, एनजीओ बी है ये वाला, तो 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 60 सॉरी ये 70 हुआ ना, 80 और 60 के बीच में 70 प्लस 60 130 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एनजीओ सी एंड बी इन पंजाब, एनजीओ पंजाब कौन सा, ये वाला एनजीओ सी, 80 और 90 हो जाएगा, ये 80 है और ये 90 है, तो सी और बी, ये सी और बी बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 और 90 170, कितना परसेंटेज हुआ, ये आ जाएगा 1300 बटे में 17, 1300 बटे में 17 का मतलब हुआ 17 119 और 11 17 का 102 76 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एनजीओ बी इन तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है और ये बी कौन सा, ये वाला 180, फिर है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय एनजीओ सी इन असम, सी इन असम, सी कौन सा, ये असम 120 ये है, और है एनजीओ ए इन असम, ए कौन सा, ये है इन असम, तो ये है कितना 150,
ये कितना है 150, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, तो 150 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 318, 312, 315, 645, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स ए प्लस साइन एक्स ए, देन हमें इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो ए 6 हो जाएगा इज इक्वल टू कोस 6 ए हो जाएगा और साइन 6 ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर साइन थीटा है उसकी वैल्यू 0 रख लेते हैं तो कोस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए की पावर 6 1 होगा, तो ए 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ए की पावर 4 रख लेते हैं, ए की पावर 4 रखेंगे तो कोस कितना हो जाएगा, 4 ए यहाँ पे और साइन 4 ए, साइन थीटा है अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ए की पावर 4 1 होगा तो ए 4 कितना होगा, ए 4 वो भी 1 हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस में 1, तो 2 और 1 3 माइनस 3 का 0, 0 इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड n इज द सम ऑफ द सेकंड 101 प्राइम नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, दो टर्म है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी है, तो इसका आंसर कहीं कहीं 0 होगा, क्योंकि एक टर्म 0 होगी तो पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो आप सीधा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब क्या वो देख लेते हैं। सम ऑफ सेकंड 101 प्राइम नंबर, सम ऑफ सेकंड 101 प्राइम नंबर, तो देखिए क्या है, सम है एक से लेकर दो, पहली संख्या होती है दो, दो से लेकर 100 तक प्राइम नंबर होती है 25 से, आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पे क्या है कि सेकंड 100 और दो से 101 तक कितनी होगी, 26 प्राइम नंबर होगी, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि जो पहली संख्या है वो क्या है कि थर्ड है, सेकंड 101 है, तो इसका मतलब संख्या टोटल कितनी होगी, 25 हो जाएगी। टोटल कितनी संख्या है, 25, सम ऑफ द सेकंड 101 प्राइम नंबर ये कितनी है, टोटल प्राइम नंबर कितनी है, 25 प्राइम नंबर है। देखिए एक पहली है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसी है। तो देखो 5 और 3 8, 8 7 15, 15 और 11 26। देखो यहाँ पे जब दो होती है तो इवन बनता है और तीन होती है तो ओड बनता है, दो होती है तो इवन बनता है, तीन होती है तो ओड बनता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो सम है, क्योंकि 25 टोटल है तो ओड होगा, सम ओड होगा, तो मैं ये लिख देता हूं यहां पे x की पावर ओड और x की पावर ओड प्लस 1 दैट इज इवन, x की पावर ओड और x की पावर इवन, और यहां पे x दिया हुआ माइनस 1, तो माइनस 1 है इसकी पावर, अगर ओड है तो ये माइनस 1 होगा, ये 1 होगा, ये माइनस 1 होगा और ये 1 होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना 0 हो गया। 0 को हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेगमेंट स्टार्टिंग विद पॉइंट एम एंड एन एंड एंडिंग विद वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी डिवाइड द गिवन फिगर इनटू 8 पार्ट्स, एरिया ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इंडिकेटेड इन द पिक्चर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेंटर रीजन, हमें ये बताना है कि इसका क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। अगर मैं इसको एक्स ले लेता हूँ, इसको वाई ले लेता हूँ, टोटल ट्रेंगल इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स वाई इसका हो जाएगा, जो किसके बराबर है, जो इसके बराबर है, अगर मैं इसका एरिया, इसका एरिया किसका, डी एम सी, ये जो ट्रेंगल है डी एम सी, इसका एरिया में 1/2 xy, क्योंकि ये x है ये y है, और डी एन ए, ट्रेंगल डी एन ए, इसका क्या है 1/2 xy, यहाँ पे भी एक्स वाई लिख दिया और यहाँ पे भी एक्स वाई लिख दिया, क्योंकि दोनों का ऐसे है। अब देखिए कि ये जो इसका एक्स वाई है, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई बाई टू, मतलब कि इसका एरिया प्लस में ये एरिया, इसको एस वन लिख देता हूँ, इसको एस टू लिख देता हूँ, तो एस वन प्लस एस टू और प्लस में क्या है आगे, और तीन, ठीक है, 3, 20 और 2, ये कितना हो जाएगा, 3, 20 और 2, तो 25 हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 25, मतलब पूरी रेक्टेंगल का एरिया है ना ये, इसका और प्लस में S1, S2 और 25, ये बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको इस साइड ले ले जाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, xy by 2, मतलब एक में से आधा घटाएंगे आधा हो जाएगा, इज इक्वल टू S1 और S2 और 25, ये आ गया। अब इस ट्रेंगल की बात करूँ मैं, इसकी डी एन ए,
डीएनए में xy by 2 है, तो ये क्या है कि S1 plus S2 और शेडेड रीजन S1, S2 और शेडेड रीजन। अब देखें xy by 2 is equal to S1, S2 25, तो इसका आंसर शेडेड रीजन कितना है 25 होगा। शेडेड रीजन कितना हो जाएगा 25, आंसर क्या होगा ए इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे 25 क्वेश्चन इस टेस्ट के कर दिए हैं। आपका स्कोर 25 में से लगभग 25 आना चाहिए और आप ये 25 से 30 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सारे कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, ऑल द बेस्ट।